लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्री प्राइमरी स्कूल के टीचरों की भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर आई है, और इसमें देखिए आपके लिए एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए एक रोजगार की संभावनाएं भी इस क्षेत्र से तलाशी जा सकती है। साथ में हम बात करेंगे जो सेट है, सेट का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट सेक्शन में भी आता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे, और भी बहुत सी नवीनतम जो जानकारियां रहेगी आपकी नौकरी से संबंधित उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे देखिए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। देखो अभिलाषी यूनिवर्सिटी भी एक रेपुटेटेड ब्रांड बन चुका है मंडी डिस्ट्रिक्ट के। यदि हम बात करें तो यदि आप देखिए यहाँ पे विभिन्न तरह के वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे गए हैं, यदि इससे संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको निजी क्षेत्र में भी यदि कोई अच्छा पैकेज मिलता है तो आप इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान के साथ में अपना करियर आगे बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए वैकेंसीज की डिटेल भी मिल जाएगी और यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, इनकी वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। और पिछले कल देखिए यदि जब स्कूल लेक्चरर न्यू का हिंदी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है, सभी कैंडिडेट्स को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और हमारे भी इसमें 3-4 कैंडिडेट्स के मुझे टेक्स्ट मैसेज आए हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनका भी यहाँ पे क्वालिफाई और काफी अच्छे स्कोर से उनका क्वालिफाई हुआ है। और भी यदि किसी अभ्यर्थी का क्वालिफाई हुआ है हमारे इस प्लेटफॉर्म से, कृपया आप कमेंट सेक्शन में अपना अपने बारे में कुछ बताइएगा। और देखिए ये एक अच्छा विकल्प है आपके पास, इसके बाद आगे आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए आप जाइएगा। और आप सभी कैंडिडेट्स को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और यहाँ पे देखिए कहा गया है द कॉल लेटर फॉर इवेल्युएशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। देखिए जैसे ही कुछ दिनों बाद इसका एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका इवेल्युएशन होगा जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई है प्री प्राइमरी स्कूलों में जो टीचरों की रिक्रूटमेंट होनी है उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये आउटसोर्स के आधार पर ही भर्ती होगी। और एक और खबर की हम यहाँ पे पुष्टि करना चाहेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए एनटीटी का मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को यहाँ पे सरकार अनिवार्य करने जा रही है। और आपको ज्ञात होगा 3,840 स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं चल रही है और आने वाले समय में ये सरकार को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, तभी सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है या दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो स्ट्रेंथ हमारी डेक्लाइन में जा रही है, यदि उसे इंप्रूव करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप जो होगा वो पहला स्टेप यही होगा कि जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है इसके माध्यम से अच्छी एक बेहतरीन तरीके से आप प्री प्राइमरी और केजी की एजुकेशन दीजिएगा, निश्चित तौर पे इसका लाभ स्कूलों में मिलने वाला है। तो अभी इसके संबंधित में कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी खबर और आने वाली है जब इसके रूल्स नियम निर्धारित हो जाएंगे किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है कि आप इसके ऊपर जो सरकार को लगेगा कि अच्छा प्रपोजल है तो इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगी या सरकार इसके रिटर्न करेगी, कुछ सुझाव देगी कि इसके ऊपर काम करके इसे फिर से सरकार के संदर्भ में भेजा जाए, तो उसके बाद ही फाइनल निर्णय हो पाएगा। लेकिन एक उम्मीद जग चुकी है कि आपको मिल सकता है हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में भी रोजगार के साधन। और यहां पे अब चलते हैं सेट के रिजल्ट की तरफ। तो एक बार पहले भी हमने एक वीडियो में कहा था कि जो सेट होता है ये बिल्कुल यूजीसी की निगरानी में ही होता है और जो उसका रिजल्ट प्रिपरेशन होती है या एग्जाम कनेक्ट करना होता है उसकी जो मान्यता होती है, जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरी के पूरी यूजीसी के दृष्टिकोण में ही संपन्न की जाती है। तो यहां पर आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में सेट एग्जाम का कनेक्ट किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। तो यहां पर देखिए पत्र लिखकर जल्द दौरा करने का आग्रह किया गया है जो राज्य लोक सेवा आयोग, उन्होंने जो यूजीसी के अधिकारी है उनको कहा गया है कि आप जल्दी से यहां पे आइएगा और हमने जो रिजल्ट बनाया है इसका उसको अवलोकन कीजिएगा और उसके ऊपर जब वो अप्रूवल देंगे तो उसके बाद ही सेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और यहां पे कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी 5 माह से परीक्षा का परिणाम कर रहे हैं, करीब 10,500 अभ्यर्थियों ने सेट की परीक्षा दी है। कोरोना संकट के कारण परीक्षा 1 साल बाद हुई थी लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। और देखिए 22 नवंबर 2020 को लिया गया था, दिसंबर 2019 में राज्य लोक सेवा आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे थे। ऐसा लग रहा है अब जैसे सीगर ही जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम कह सकते हैं जब इस तरह की खबर सामने आती है तो कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा, कुछ दिनों को आप इंतजार कीजिएगा। देखिए अभी आपके पास कॉलेज कैडर की कोई रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जब तक एडवर्टीजमेंट आएगी, क्योंकि बजट में कहा गया है कि इतनी सरकार इसमें कॉलेज कैडर की कुछ वैकेंसीज भरने जा रही, काफी लंबे समय से कॉलेज कैडर में किसी तरह की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। यदि आपका सेट का एग्जाम अच्छा गया तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सेट के रिजल्ट के बाद ही शायद हिमाचल प्रदेश में
कॉलेज कैडर की कोई परीक्षा हमें देखने को मिले। तो स्टूडेंट देखिए, परीक्षाएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मजबूती से आपकी दावेदारी है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे की किताब हमारी रिलीज हो चुकी है, वेबसाइट में जाके आप इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। और बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको यहां पे मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे, एक साल के करंट पे पढ़ के जाइएगा, किसी परीक्षा की बात कर लीजिएगा, बहुत ही टफ करंट पे आज की डेट में, पुराना करंट पे भी पूछा जा रहा है। एक ऐसी किताब है जिसमें आपको एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है, 7000 प्लस प्लस का एक करंट अफेयर्स, इसके साथ अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। साथ में हमारी नवीनतम किताबों की श्रेणी में HPPSC और HPSSC प्रीवियस सॉल्वेंट पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है, बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री से लैस ये पुस्तिका है। एक ही किताब में आपको देखिए इतने सारे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। निश्चित तौर पर किताब भी आपको एक विजन दिखाएगी, प्रिपरेशन का एक स्टाइल बताएगी, एग्जामिनर का क्या एटीट्यूड रहता है, कितने प्रश्न रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके इस किताब से तैयार हो जाएंगे। तो आप इस किताब को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए elastudy.co.in वेबसाइट को। और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब से इस किताब को लॉन्च किया है, नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ कॉपियां ही हमारे पास इस किताब की बची, तो आप इस किताब को भी हमारी वेबसाइट elastudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।